हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमिताज क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि भारत के पड़ोसी देशों के बारे में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में आपसे शेयर करूँगा, ठीक है। क्योंकि हाल फिलहाल के पेपर में हमने एसएससी सीजीएल के पेपर में देखा था कि पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है, ठीक है। पैटर्न चेंज होने की वजह से पैटर्न क्या चेंज हुआ है कि वो भारत तो ठीक है, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है कि क्या आपको पता है कि नहीं। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको गूगल पे भी जल्दी नहीं मिल रही हैं, बहुत ढूंढने पे चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। तो वही सब चीज़ें मैं यहाँ पर आपके पास लेके आया हूँ। अगर ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे और अगर इस वीडियो पर दोस्तों 50 लाइक्स हो जाते हैं तो मैं इसके बाद नेक्स्ट, फिर उसके बाद नेक्स्ट बढ़ाता चला जाऊंगा। तो अगर आप ये वीडियो देखिएगा और अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, ठीक है। क्योंकि बदले हुए पैटर्न पे सिर्फ वही चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि मैं अगर म्यांमार को पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे इस वीडियो में तो म्यांमार के पूरे लॉन्गिट्यूड पे कितने स्थित है सब चीज़ें नहीं बताऊँगा ना बात करूँगा यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी लेंदी हो जाएगा और हम म्यांमार पे रिसर्च करने नहीं आए हैं, ठीक है। हमें सिर्फ क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी है जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में, उसी को पैटर्न को फॉलो करते हुए जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियोज अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। इसके लिए आप बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लूँ कि जो म्यांमार एक देश है वहाँ पर कौन से धर्म के ज़्यादा लोग हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो बौद्धिज्म है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, ठीक है। म्यांमार में बौद्धिज्म बहुत ज़्यादा है। और अभी आपने हाल फिलहाल में देखा था कि रोहिंग्या मुसलमान जो थे, रोहिंग्या का जो मैटर उठा था वो यहीं से रिलेटेड थे, ठीक है, रोहिंग्या, ठीक है। तो ये कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं था। बाकी बहुत खूबसूरत देश है, सस्ता भी है भारत से, कभी जॉब लगेगी तो जाना जरूर आप लोग, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। म्यांमार, म्यांमार का जो दूसरा नाम है वो क्या है? तो म्यांमार का जो दूसरा नाम है वो बर्मा है। बर्मा क्यों? ये वर्मा जो हमारे यहाँ लिखते हैं वो वाला वर्मा नहीं है, एक जाति है, एक समूह है बर्मी, ठीक है, बर्मी। वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग थे, उन्हीं के नाम पे ये देश था बर्मी, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको ये कहूँगा कि म्यांमार जो देश है वो भारत, ठीक है, यानी कि इंडिया और चाइना के बीच में रोधक का काम करता है। रोधक मतलब इन दोनों के बीच में है, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगर हम बात करें राष्ट्रपिता कौन है, जैसे हमारे देश में राष्ट्रपिता हमारे महात्मा गांधी जी हैं, वैसे ही वहाँ पे आंग सन है। आंग सन कौन है? इन्होंने वहाँ पे जापानियों के द्वारा, जो जापानियों ने म्यांमार को कब्जा कर लिया था उसके लड़ाई में आंग सन की अहम भूमिका थी कि जापानी मुक्त कराने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। चलिए राजधानी क्या है? देखिए इंग्लिश में लिखा हूँ क्योंकि हिंदी बड़ी कन्फ्यूजन वाली है, आप ऐसे याद कर लो। इसको कई जगह अलग अलग नाम से लिखा गया, नायपिताओ कहा जाता है, नायपिताओ कहा जाता है, जो भी है आप देख लीजिए, नायपेताओ, ठीक है, ऐसा ही पढ़ने में है, बाकी जो भी है। अगर हम बात करें यहाँ पर करेंसी की, तो यहाँ की करेंसी जो है दोस्तों वो है क्यात, म्यांमार क्यात, ठीक है, याद रखिएगा। करेंसी, राष्ट्रपिता, राजधानी, इसका दूसरा नाम बर्मा भी है। सबसे बड़ा नगर कौन सा है? वो है रंगून, जो पहले यंगून भी था, रंगून है। कौन सा रंगून? आपने वो गाना सुना होगा कि मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन, तो ये वही वाला रंगून है जहाँ से उनके पिया जी ने फ़ोन किया था, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा कि वो फ़ोन वाला। चलिए बात करते हैं भारत, सबसे बड़ा नगर तो रंगून की बात हो चुकी है। राजभाषा जो है बर्मी, क्योंकि बर्मी प्रजाति के लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा थे तो वहाँ की राजभाषा भी वही है। अगर हम बात करें जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट था वो ये दोनों चीज़ें थी, सीजीएल के एग्ज़ाम में यही दोनों चीज़ें पूछी गई थी, फिर भी हमने थोड़ी थोड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो बात कर ली है। राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो ग्रे पिकॉक है, जिसका सिंबल ये है, आप देख सकते हैं, ठीक है, ग्रे पिकॉक है ये, इसका राष्ट्रीय पक्षी। और राष्ट्रीय खेल की बात करें तो चिल्लोन है, इंग्लिश में भी यही है, ठीक है। ढूंढने की कोशिश मत करिएगा, डिक्शनरी में है नहीं, आप गूगल पर सर्च करिएगा तो एक खेल को दिखाएगा कि म्यांमार में ये खेल खेला जाता है। एक बॉल होती है गोल, ठीक है, ऐसे, और वो ऐसे करके बनी होती है लकड़ी की या किसी और चीज़ की, तो उसी को खेलते हैं वो लोग। आप एक बार गूगल कर लेना चिल्लोन क्या है, बाकी ऐसे याद रखना कि राष्ट्रीय खेल क्या है, बस हमें कोई वहाँ वो खेल खेलने नहीं जाना, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आप ये देख लेना कि 7 राज्य हैं वहाँ पर और 7 ही मंडल भी हैं, ठीक है। तो ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट था वो ये था कि राजभाषा क्या है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है, राष्ट्रीय खेल क्या है, और यहाँ पर राष्ट्रपिता, राजधानी, करेंसी और सबसे बड़ा नगर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो म्यांमार से रिलेटेड थी। अगर आप कहोगे तो आगे भी हम आपको बांग्लादेश, और सॉरी
इसके बाद अगर आप कहोगे तो हम बांग्लादेश का या और फिर चाइना का, उसके बाद पाकिस्तान का, भूटान का, जितने भी हमारे पड़ोसी मुल्क हैं हम उन सब के बारे में बात करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बता देना कि इसके बाद हम किसका वीडियो बनाएं, किसका आपको चाहिए, पाकिस्तान का चाहिए या बांग्लादेश का चाहिए, भूटान, चाइना, जिस भी देश का चाहिए उसका डिटेल मैं आपको दूंगा। और कोशिश करूंगा कि ऐसे ये जो प्रोसेस है ये चलेगा काफ़ी लंबा तक। अभी तो जो पड़ोसी हैं उनकी बात करूंगा, बाद में धीरे से हम शिफ्ट कर जाएंगे एशिया तरफ, ठीक है, तो पूरे एशिया के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।